नाम सिद्दीक बिन उमर है, समरलैंड फूड सेंटर का ऑनर। मेरे जो कारोबार कर रहा था, मैं 12:40 पे जो है ना, चंद नामालूम अपराध आके मेरे ऊपर हथियारों से हमला करें, हमला करने की कोशिश करें, तलवारों के उसके साथ आके हथियार के। मैं उतर के गए तक मेरे को मारने की कोशिश करें, मैं पीछे हट गया। मेरे पास उन लोग का फुटेज भी है। और उन लोग पहले 6 आदमी थे, 2 गाड़ियों पर ठहरे हुए थे, 4 लोग आए, 1 मास्क पे था, 3 बगैर मास्क के थे, हथियार सबके हाथ में था। मारने की कोशिश करे और फ़ोन पे पूछ रहे थे पहले लोग, समर लैंड बोल के किसी से बात करते हुए कर रहे थे ये काम। उन्हें कुछ बोला होगा शायद, कुर्सियों से जो है ना शीशे वगैरह तोड़ दिए, पूरी मल्ली तोड़ फोड़ करे, मेरे को भी मारने आए। वहाँ पर पब्लिक थी, लोग थे, कस्टमर्स थे, जान बच गई मेरी। मैं हट गया पीछे। और जो है ना, वो कौन थे, क्यों आए, किधर से आए, या पुलिस स्टेशन मैं रिपोर्ट लिखाने आया तो जब पता चला वो मल्ली का कुछ केस चल रहा है, कोई परचेसर है, उन्हें ऑलरेडी आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए। ये मेरे को आने के बाद पता चल रहा, जो खरीदा वाला ऑलरेडी मेरे पास स्टे है, इंजेक्शन ऑर्डर है, स्टेटस को ऑर्डर है, मेरे पास ऑर्डर्स है। मैं 15 दिन पहले आके भानु प्रसाद साहब को बता के गया, ऑर्डर्स की कॉपी सबमिट PS में करके गया, उनकी नॉलेज में है ये बात। अब ये होने के बाद मैं यहाँ PS में कंप्लेन करने के लिए आया तो देखा तो बंदा बैठे हुआ है जिसका नाम हाजी और वसीम है, उन दोनों का नाम, उन दोनों आधे घंटे से PS में बैठे हुए हैं। उन लोग बैठ के क्या ये हमला कराए, उन लोग बैठने की वजह क्या है, जिस टाइम मेरी दुकान पे हमला हो रहा और इतने दिनों से नहीं हुआ वो, और कोर्ट का मैटर है वो, तो क्रिमिनल मेरे ऊपर हमला क्यों करें? चाकुआ लेके, हथियार लेके, पुलिस रहने के बाद लोग हथियार कैसा लेके फिर रहे हैं? रोड पे जो है ना, पब्लिक है, बाजार है, खुला है, कस्टमर है, पुलिस है, मल्लेपल्ली बड़ी मस्जिद के पीछे समरलैंड फूड सेंटर है मेरा, पिछले 25 साल से है। वहाँ पर आके जो है ना, ऐसा हमला करने की कोशिश करें मेरे ऊपर, मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है, लोगों के ऊपर सबसे सख्त कार्रवाई करिए, कौन है लोग आइडेंटिफाई करिए। आपका शक किसके ऊपर? मेरा शक जो है ना, जो यहाँ आके बैठे, यहाँ आके पता चला मेरे को, जो परचेसर है वसीम और हाजी नाम है लोगों का, जो खरीदने का दावा कर रहे हैं, खरीदे बोल के, उन लोगों के ऊपर है, क्योंकि उन लोग आके आधे घंटे से यहाँ पर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए, उन लोग बैठे हुए हैं, उसी हसना में जो है ना मेरे ऊपर हमले की कोशिश हुई, दुकान पे ऐसा हमला हुआ, दुकान के पूरे शीशे टूट गए, कुर्सियाँ टूट गए, मेरी जान बच गई, अल्लाह का शुक्र है। मैं पीछे हट गया, वीडियो ले रहा था, हथियार खुले है, पूरे फोटेज में नजर आ रहे हैं हथियार, पूरों के हाथ में हथियार है, कोई भी जान पहचान का नहीं, अननोन पर्सन है वो। मेरे को शक जो है ना इन लोगों पे, अब आके पता चल रहा है इन लोगों पे शक है, क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर PS में ऑलरेडी। अब आगे मेरी सेफ्टी की गारंटी, मेरे बिजनेस की गारंटी कौन लेंगे? मैं बैठे हुआ रहूँगा अकेला, कोई आके मार दिया मेरे को, आज जान ले हमला कर, जान लेने की कोशिश करेगा, जान ले लेते मेरी, इसके जिम्मेदार कौन है? पुलिस को इसको नोट लेना पड़ेगा। आप, मैं सीधी आनंद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर सख्त से सख्त नोट लीजिए। मैं अभी हबीबनगर PS को आगे जो है ना कंप्लेन लिखा चुका हूँ। अभी लिखाने आया तो पता चला वो जो परचेसर है वसीम और हाजी, उन लोग आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए, इन लोग यहाँ बैठे हुए, वहाँ मेरे पास हमला हो रहा। अब इसका क्या मतलब निकलता है, क्या है, पुलिस बेहतर जानती है, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।